ये वाला प्लेन ब्लाउज सीखना है वो भी प्रोफेशनल तरीके से, तो इस वीडियो में बने रहना क्योंकि ये वाला वीडियो आप लोग को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे पहली बार लेके आई हूँ, तो आप लोग इसे एकदम अच्छे से समझना, देखना, ठीक है? बनेगा हमारा ऐसा ही, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सेंटीमीटर्स में बना रही हूँ, इंचेस में नहीं बना रही। तो जैसे हम लोग करते हैं कि नीचे से हम लोग छोड़ते हैं, वैसे ऊपर से छोड़ते हैं हम, सेम तरीका यहाँ वहां से भी करेंगे। और हम लोग जैसे लेफ्ट साइड से हम लोग बनाते हैं, पर हम लोग इसमें राइट साइड से बनाएंगे, ओके? लेंथ मैं बता दूं, लेंथ में लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा रहती है, मतलब 16 इंचेस है मेरी फ्रंट की। इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगी, ठीक है? ये हमारा ओ है और ये हमारा ए है, ठीक है? ये देख लो, ये ओ है और ये ए है। ये हमारी ओ और ए वाली लाइन जो हमारी लेंथ है, ठीक है? लेंथ कितनी? 16 इंचेस, ठीक है? मैं ऐसे यहां पे लिख दे रही हूं, लेंथ हमारी 16 इंचेस। इसमें मैं इंचेस बता रही हूं, ठीक है? बस्ट है मेरा 36, ठीक है? इसमें कुछ जरूरत पड़ेगी। वेस्ट हमारा 28 है, ठीक है? इसमें और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इसी की जरूरत पड़ेगी, पर इसमें फॉर्मूले हैं वो आप लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारी लेंथ हो गई। अब क्या करेंगे, ओ से बी, जो ओ से बी वाली जो लाइन है वो हम लोग करेंगे 1/6 ऑफ बस्ट। तो 36 / 6 = 6, ठीक है? ये आ गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है? समझना, समझते रहना इसे। ये आ गया हमारा, अब आएगा हमारा अक्रॉस शोल्डर, ओ से इधर, ओ से सी आएगा अक्रॉस शोल्डर। अक्रॉस शोल्डर का तो वही होता है कि शोल्डर डिवाइड बाय 2, ठीक है? शोल्डर है मेरा इसमें 14, ठीक है? 14 है तो 14 / 40 / 2 = 7, ओके? ये है मेरा सी पॉइंट, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब बनाएंगे हम नेक की विड्थ, ठीक है? नेक की विड्थ बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे 1 इंच ऊपर, ओ से 1 इंच ऊपर, ओ से 1 इंच ऊपर। यहां पे मैं डी दे रही हूं, ठीक है? ओ से डी हमारा 1 इंच ऊपर, ठीक है? फिर उसके बाद डी से ई पॉइंट, जो हमारा डी से ई पॉइंट आएगा हमारा इधर आएगा, वो आएगा हमारा नेक की विड्थ, ठीक है? तो नेक की विड्थ आने वाली है हमारी कितनी, आंसर आ रहा है 3। यहां मार्क कर दो, ये पॉइंट आएगा ई, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये नेक की विड्थ हो गई डी से ई, ओके? और ई से एफ वो होगी हमारी नेक की लेंथ, ठीक है? नेक की लेंथ है इसमें, उसे जो हमारा ओ से बी था वो मैंने आप लोग को बताया कि बस्ट डिवाइड बाय 6, राइट, है ना? तो उसमें प्लस 1 इंच और कर दो, मैं भूल गई थी, 1 इंच प्लस कर दो, जो हमारा 6 आया था इसमें, यहां पे आएगा 7, मतलब ये होगा बी, ठीक है? सॉरी मैं भूल गई थी, ओके? ये हमारा बी है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है? ई से एफ जो हम करेंगे वो है बस डिवाइड बाय 6,
अभी आएगा हमारा 6 इंचेस जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर लिया था हम पहले ही, राइट। अब यहाँ पे ऐसे एक पूरा एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा एफ पॉइंट है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा नेक वाला पार्ट डन। अब हम और आगे का पार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा ई और सी है ना उसको हमें मिला देना है। ये हो गया, अब बी से जी पॉइंट वो कितना आएगा हमारा 1/4 बस प्लस 1 इंचेस, ठीक है। तो ये है मेरा 10, ये आएगा हमारा जी पॉइंट, ठीक है। ऐसे यहां पे एच, यहां से एच वाला पॉइंट आएगा 1/4 वेस्ट प्लस 1.5, ठीक है, वो आएगा मेरा 8.5। यहां पॉइंट मार्क किया, ये आएगा मेरा, यहां आएगा एच, ठीक है। अब जी और एच को हम मिला देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, यहां पे आ गया आपका पॉइंट आई, ठीक है, यहां पॉइंट आएगा आई। अब जैसे फ्रंट है तो फ्रंट के लिए मैं आप लोगों को मैंने जैसे पहले बताया कि मैं वैसे ही कर रही हूं, ठीक है। ये मैंने डन कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें बस पॉइंट बनाते हैं, तो बस पॉइंट के लिए ई से, यहां ई से एक थोड़ा इधर, एक पॉइंट इधर, एक दो पॉइंट इधर एकदम, और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4 ऑफ बस प्लस 1.5, मतलब मेरा यहाँ पे 10.5 पे यहाँ पॉइंट आ रहा है। अब मैं ऐसे मार्क कर दूंगी, ठीक है, डायमंड लाइन मार्क कर दूंगी। अब यहां से इतना, ये कितना जाएगा जो पूरा बस पॉइंट बनेगा हमारा, वो आएगा यहां पे कितना, बस्ट डिवाइड बाई 12 प्लस 0.5 इंचेस, तो मेरे यहां पे 3.5 आएगा। यहां पे ऐसे मार्क करो, यहां पॉइंट आए, ये आ गया हमारा बस पॉइंट, ये आएगा हमारा बस्ट पॉइंट, ठीक है। बस्ट पॉइंट के नीचे जैसे हम करते हैं कि 1 इंच हम नीचे यहां पे जाते हैं, ठीक है, और यहां से एकदम स्ट्रेट, ठीक। फिर यहां पूरा एक और यहां पूरा एक, दोनों साइड पूरा 1-1 इंच कवर करते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे हम, यहां से यहां पे भी जाएंगे 1 इंच का, इधर जाएंगे स्ट्रेट, और यहां जाएंगे 1/4, और यहां जाएंगे 1/4, ठीक है। ये पॉइंट आ गए दो। तीसरा पॉइंट जी से एच वाली लाइन में आएगा, कैसे आएगा, 1/8 ऑफ बस प्लस 1.5, ठीक है, जो आएगा मेरे यहां पे 6। ये पॉइंट निकाला,
अब यहां से डिस्टेंस देखो, यहां डिस्टेंस आएगी आपकी कितनी 1.5, यहां ऐसे मार्क कर दिया ठीक। अब यहां पे हाफ और यहां पे हाफ ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट। अब लास्ट आर्म होल वाला, जैसे मैं आप लोगों को आर्म होल वाला बताती हूं सेम वैसे ही तरीका है। ये आएगा हाफ इसका पॉइंट ठीक है, यहां से मेजर करो 1.5 ऊपर जाओ मार्क करो और जस्ट इसके इधर हाफ इंच इधर जाओ और यहां ऐसे मार्क कर दो, इसमें और कुछ नहीं होता ठीक है। जैसे मैंने और में बताया वैसा ही इसमें भी बताया मैंने। ये हो गया हमारा फ्रंट का कंप्लीट ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट का कंप्लीट। और इसके आगे ग्रीन लाइन और यहां पे हम लोग रखेंगे CF ठीक है। उसमें अब 1.5 हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे सीम के लिए, यहां पे भी बढ़ाएंगे सीम के लिए ठीक है। इसे ऐसे मार्क कर देंगे, ये मार्क हो गया। अब आर्म होल पे हाफ इंच का ठीक है, शोल्डर पे हाफ इंच का और नेक लाइन पे हमारा हाफ इंच का ठीक है, नेक लाइन शोल्डर आर्म होल में इन सब में हमारी सीम कितनी लगेगी 0.5 इंचेस ठीक है, और साइड सीम कितनी लगेगी 1.5 इंचेस ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट।